सुटेक फैमिली, आज हम बात करेंगे टॉप 5 बेस्ट लैपटॉप की, जो कि आप 2 लाख के प्राइस रेंज में ये लैपटॉप बाय कर सकते हो अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो। मैं आपको ये चीज़ भी बता देने वाला हूँ यार, जितने भी लैपटॉप बताऊंगा सभी हाई परफॉर्मेंस लैपटॉप होने वाले हैं। डिज़ाइन, लुक, CPU, GPU, मतलब हर एक चीज़ हाई एंड देखने को मिलने वाली है। तो अभी बात करते हैं नंबर 5 की। नंबर 5 की बात करते हैं, लेकिन नंबर 5 की बात करने से पहले मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि मैं आज आपको 2 लैपटॉप बताऊंगा एज अ प्रो, एज अ प्रोफेशनल। अगर आपको गेमिंग डिज़ाइन नहीं चाहिए, ट्रैवलिंग के लिए लैपटॉप चाहिए, एज अ क्रिएटर, एज अ डेवलपर लैपटॉप चाहिए, आपको किन लैपटॉप की ओर जाना चाहिए, मैं आपको 2 लैपटॉप बताऊंगा। एंड 3 लैपटॉप बताऊंगा अगर आपको वीडियो एडिटिंग करनी है, 3D सॉफ्टवेयर यूज़ करना है, गेमिंग करना है, लाइव स्ट्रीम करनी है, आपके लिए लैपटॉप कौन से अच्छे होने वाले हैं, 3 लैपटॉप आपके लिए बताऊंगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोफेशनल लैपटॉप की, मतलब बात करते हैं नंबर 2 की। सो नंबर 2 की बात करूं, नंबर 2 पे यार मैंने रखा है HP की ओर से लैपटॉप। मैं बात करूं HP Envy 15 की। इसके प्राइस रेंज की बात करूं तो यार ये लैपटॉप आपको 2,02,000 के प्राइस रेंज में Amazon पे अवेलेबल देखने को मिल जाता है। अगर मैं बात करूं स्पेसिफिकेशन की, 15.6 इंच के साथ आपको 4K अल्ट्रा HD डिस्प्ले देखने को मिलेगी, टच स्क्रीन लैपटॉप है, तो डिस्प्ले क्वालिटी इसकी बहुत शानदार होने वाली है। i9 12th जनरेशन है, जो कि लेटेस्ट CPU है इंटेल की ओर से। 32GB रैम मिल जाएगी, 1TB आपको SSD देखने को मिल जाती है, RTX सीरीज का ग्राफिक कार्ड मिलेगा 1366GB के साथ। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करूं, आपको विंडो 11 देखने को मिल जाती है, 2019 आपको MS ऑफिस मिल जाएगा, पोर्ट्स की दिक्कत नहीं आएगी, बैकलिट कीबोर्ड के साथ मिलता है, 720p वेब कैमरा, कनेक्टिविटी भी अच्छी होने वाली है बिकॉज इसमें आपको ब्लूटूथ वर्जन 5.2 देखने को मिल जाता है, वाईफाई 6 की सपोर्ट मिल जाती है। तो यार ये थे स्पेसिफिकेशन HP Envy 15 के। तो i9 12th जनरेशन CPU है, GPU आपको 6GB मिल जाता है, 32GB रैम मिल जाती है। ये लैपटॉप एज अ क्रिएटर, एज अ डेवलपर, अगर आपको गेमिंग डिज़ाइन नहीं चाहिए लेकिन अगर आपको एज अ प्रो, एज अ प्रोफेशनल काम करना है तो भैया आप इस लैपटॉप की ओर जा सकते हो। वीडियो एडिटिंग भी करवा देगा, गेमिंग भी करवा देगा, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते, कर सकते हो बिकॉज GPU बहुत अच्छा है एंड CPU हाई एंड देखने को मिल जाता है। आगे बात करते हैं नंबर 1 की। नंबर 1 की बात करूं, नंबर 1 पर यार ऑब्वियसली मैंने एक लैपटॉप रखा है जो कि मैं जितने भी बंदे मेरे को देख रहे हैं ना, मैं सभी बंदों को यही लैपटॉप रिकमेंड करता हूं। मैं बात करूं एप्पल मैकबुक M1 प्रो की। अगर मैं इस लैपटॉप की बात करूं, सबसे पहले आपको बता ही दिया कि M1 प्रो चिपसेट के साथ ये लैपटॉप देखने को मिल जाता है। 14 इंच के साथ आपको लिक्विड रिनैक्स यार इसमें डिस्प्ले देखने को मिलेगी। M1 प्रो चिपसेट है जिसमें आपको 10 कोर का CPU मिल जाता है, 16 कोर का GPU देखने को मिल जाता है, 16GB रैम है, 512GB आपको SSD मिलेगी, ऑपरेटिंग सिस्टम macOS देखने को मिल जाता है, HDMI पोर्ट वगैरह मिल जाएगा, प्लस इसमें आपको कार्ड स्लॉट मिल जाता है, थंडरबोल्ट 4 पोर्ट्स मिल जाते हैं, बैकलिट कीबोर्ड के साथ मिलता है, टच आईडी के साथ मिलेगा, साइज में आपको 1080p वेब कैमरा देखने को मिल जाता है। एंड अगर आपको बिग बैटरी लैपटॉप चाहिए तो तब भी आप इसी लैपटॉप की ओर जाना बिकॉज आपको 70 आवर्स का बैटरी बैकअप मिलेगा। इसका जो चार्जर है ना वो आप इजीली कैरी कर सकते हो, इस लैपटॉप को इजीली कैरी कर सकते हो, 14 इंच के साथ होने वाला है तो आप बैग में भी नॉर्मली कैरी कर सकते हो एप्पल मैकबुक को। तो फॉर क्रिएटर्स के लिए, फॉर डेवलपर्स के लिए बहुत अच्छा होने वाला है। गेमिंग वगैरह के लिए मैं आपको इतना रिकमेंड नहीं करता, लेकिन अगर आप एक डेवलपर हो या अगर आप एज अ क्रिएटर काम करते हो, एनिमेशन कार्टून वगैरह ड्रॉ करते हो, ग्राफिक डिज़ाइनिंग करते हो, आर्किटेक्ट स्टूडेंट हो, इंटीरियर डिज़ाइनिंग कर रहे हो, तो भाई आप सभी के लिए ये लैपटॉप बहुत ही ज़्यादा मतलब सुपर होने वाला है। या ज़्यादा नहीं बताऊंगा बिकॉज एप्पल ब्रांड है यार, सभी को पता है कि इनके लैपटॉप कैसे होते हैं। अभी 2 लैपटॉप मैंने आपको बता दिए फॉर प्रो, फॉर प्रोफेशनल के लिए। अभी 3 लैपटॉप बताऊंगा गेमिंग के लिए, वीडियो एडिटिंग के लिए, 3D सॉफ्टवेयर के लिए। तो अभी बात करते हैं अगर आपको गेमिंग के लिए, वीडियो एडिटिंग के लिए लैपटॉप चाहिए, आपको किन लैपटॉप की ओर जाना चाहिए, तो बात करते हैं नंबर 3 की। नंबर 3 की बात करने से पहले मैं आपको 3 कैटेगरीज में ये लैपटॉप भी जो है मैं आपको डिवाइड कर देता हूँ। लाइक अगर आपका बजट 2 लाख से कम है आपके लिए एक लैपटॉप बताऊंगा, अगर आपका बजट 2 लाख है आपके लिए भी लैपटॉप बताऊंगा, लेकिन अगर आप 2 लाख से ऊपर पे कर सकते हो एक लैपटॉप आपके लिए भी बताने वाला हूँ। तो अभी बात करते हैं अगर आपका बजट 2 लाख से कम है आपको किस लैपटॉप की ओर जाना चाहिए। मेरी ओर से रिकमेंड आपको यही है कि आप एसर प्रेडेटर हीलियो 300 की ओर जा सकते हो बिकॉज आपको 1,89,520 रुपीज के प्राइस रेंज में Amazon पे अवेलेबल देखने को मिलेगा। एंड इसके स्पेसिफिकेशन सुन लो, आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि इसमें आपको क्या चीज़ मिल जाती है। भाई अभी बात करते हैं स्पेसिफिकेशन की। आपको 15.6 इंच के साथ क्वाड HD डिस्प्ले मिलेगी, 165 रिफ्रेश रेट के साथ,
i9 12th जनरेशन प्रोसेसर देखने को मिलेगा, 14 कोर का प्रोसेसर है। तो यार CPU भी हाई एंड होने वाला है एंड इसकी डिस्प्ले क्वालिटी भी हाई एंड होने वाली है। 32GB रैम मिल जाएगी, 1TB आपको SSD देखने को मिल जाती है, RTX सीरीज का ग्राफिक कार्ड मिलेगा 1370 Ti 8GB के साथ। तो GPU भी आपको हाई एंड देखने को मिल जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो 11 RGB बैकलाइट कीबोर्ड के साथ आता है, 5th जनरेशन 3D फैन मिल जाते हैं। तो कूलिंग सिस्टम अच्छा होने वाला है। कनेक्टिविटी की भी बात कर लेते हैं, आपको Wi-Fi 6 की सपोर्ट मिल जाती है, ब्लूटूथ वर्जन आपको 5.2 देखने को मिल जाता है इससे बड़ेटर हीलियो 300 में। तो मेन स्पेसिफिकेशन मैंने आपको बता दिया। फॉर क्रिएटर्स के लिए, डेवलपर्स के लिए, अपने इंडिया में बहुत ही ज़्यादा लैपटॉप ये बिकता है यार। अगर लोग लाइक एप्पल मैकबुक की ओर नहीं जाते ना, तो जितने भी क्रिएटर्स हैं, जितने भी डेवलपर्स हैं, उनके पास एसर प्रेडेटर आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। एंड ये आपको 189,000 के प्राइस रेंज में अप्रॉक्स देखने को मिल जाता है। प्राइस ऊपर नीचे जा सकते हैं, अमेजोन पे फिक्स नहीं होता, आपको चेकआउट करते रहना पड़ेगा। तो लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वैसे प्रोवाइड भी कर दिया। अभी आगे बात करते हैं नंबर 2 की। नंबर 2 की बात करूं, नंबर 2 पे यार मैंने रखा है डेल एलियन वियर को। तो यार अगर आपका बजट 2 लाख है, 2 लाख के प्राइस रेंज में अगर आपको इतना पैसा मैटर नहीं करता, लेकिन अगर आपको लुक डिज़ाइन वगैरह मैटर करता है, एक आप लाइक गेमिंग डिज़ाइन भी लेना चाहते हो, ऐसा डिज़ाइन लेना चाहते हो जो हर एक बंदे के पास लैपटॉप ऐसा ना हो, तो भाई डेल एलियन वियर आपके लिए बहुत अच्छा होगा। 14 इंच के साथ आपको फुल HD डिस्प्ले मिलेगी, 144 रिफ्रेश रेट के साथ, i7 12th जनरेशन है, 14 कोर का प्रोसेसर ये भी मिलेगा, 32GB रैम है, 1TB आपको SSD मिलेगी, RTX 3060 आपको 6GB ग्राफिक कार्ड मिलेगा। ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो 11 2021 आपको MS Office मिल जाता है, Wi-Fi 6 की सपोर्ट मिल जाती है एंड 6 आवर्स का बैटरी बैकअप देखने को मिलेगा। तो इसके स्पेसिफिकेशन थोड़े से कम आपको देखने को मिल जाते हैं, लेकिन लुक डिज़ाइन वगैरह अपर है। ऐसा नहीं हो सकता भाई 2 लाख के प्राइस रेंज में आपको, मतलब इस लैपटॉप को मैं ना रखूँ अपने बजट रेंज में, बिकॉज इसका लुक ही इतना अच्छा है यार कि लोग पसंद करते हैं। जिनके पास पैसा है वो ये लैपटॉप बाय करते हैं। अगर आप पैसा पे कर सकते हो, अगर आपको ये लैपटॉप पसंद आता है, लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया। लेकिन अगर आपको स्पेसिफिकेशन अच्छे चाहिए, तो मैं आपको यही बोलूँगा कि आप Acer Predator Helio 300 की ओर जाओ, बिकॉज आपको 2 लाख से कम प्राइस रेंज में मिल रहा है एंड उसके साथ साथ स्पेसिफिकेशन अच्छे प्रोवाइड कर रहा है वो लैपटॉप। आगे बात करते हैं नंबर 1 की। नंबर 1 की बात करूं, नंबर 1 पे यार मैंने रखा है ASUS ROG Strix Scale 15 को। अगर इस लैपटॉप की बात करूं, 2022 मॉडल देखने को मिलेगा, 2 लाख से बजट ऊपर चले जाएगा इसका। 15.6 इंच के साथ आपको 2K WQHD डिस्प्ले देखने को मिलेगी, 240 रिफ्रेश रेट के साथ। तो डिस्प्ले क्वालिटी इसकी हाई एंड है, इसके ऊपर तो कुछ भी नहीं देखने को मिलता। i9 12th जनरेशन आपको CPU देखने को मिलेगा 14 कोर के साथ, 32GB रैम है, 64GB रैम अपग्रेड कर सकते हो, 1TB आपको SSD मिलेगी। तो स्टोरेज की कोई दिक्कत नहीं है, रैम की कोई दिक्कत नहीं है। इसमें आपको RTX 1370 Ti देखने को मिलेगा 8GB के साथ GPU। ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो 11 मिल जाता है, RGB बैकलाइट कीबोर्ड के साथ मिलेगा। पोर्ट्स की दिक्कत नहीं आएगी, Wi-Fi 6 की सपोर्ट, ब्लूटूथ वर्जन 5.2 देखने को मिलेगा एंड 1080p वेब कैमरा देखने को मिल जाता है ASUS ROG Strix 15 में। तो यार मेन स्पेसिफिकेशन मैंने आपको ASUS लैपटॉप के भी बता दिया। मैं आपको फिर से रिपीट कर देता हूँ, ये 2 लाख के ऊपर ही प्राइस रेंज में देखने को मिल जाता है। तो बाय करना है नहीं करना है आपकी मर्जी है। मैं रिपीट कर देता हूँ, अगर आपका बजट 2 लाख से कम है या 2 लाख है, तो आप Acer Predator Helio 300 की ओर जाओ। लेकिन अगर आपको डिज़ाइन लुक कलर वगैरह भी मैटर करता है, पैसा इतना मैटर नहीं करता, तो आप Dell Alienware की ओर जा सकते हो। लेकिन अगर आपका बजट 2 लाख से ऊपर है, सब कुछ मतलब हाई एंड चाहिए, तो आप ASUS ROG Strix Scale 15 की ओर जा सकते हो। ये थे लैपटॉप जो कि फॉर क्रिएटर्स के लिए, फॉर डेवलपर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा शानदार होने वाले हैं। सभी के बाइंग लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिए, चेकआउट करना चाहते हो चेकआउट कर सकते हो। अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई वीडियो के साथ। सो थैंक यू।